आजकल की बहुओं को पता नहीं क्या हो गया, सुनती नहीं है। देखो 10 मिनट का बोल के जाती है, 10 घंटे लगा देती है। मैं कब से श्याम बाबा के मंदिर जाने के लिए तैयार बैठी हूँ, महारानी का अब तक कोई पता ही नहीं है। अरे भगवान, क्या हो गया, इतना क्यों बड़बड़ा रही हो, किसे भला बुरा कह रही हो? तुम चुप रहो जी, तुम्हें तो ऐसा लगता है ना मैं बड़बड़ा रही हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या है, तुम हूँ को सी के चुपचाप बैठे रहते हो। अरे ऐसा क्या पहाड़ टूट गया जो तुम इतना नाराज हो रही हो? अरे नाराज ना हूँ तो क्या करूँ, तुम्हारी चहेती बहू पूजा मुझसे कह के गई थी मैं 10 मिनट में आ रही हूँ, और उसे इतनी देर हो गई अब तक, अभी तक आई नहीं है। समय की भी कोई कीमत होती है, मगर ये भौवे समझती कहाँ है, जब देखो अपनी मनमानी करती रहती है। ओहो भगवान, तुमने तो बात का बतंगड़ ही बना दिया, जब आदमी घर से बाहर जाता है तो देर लग ही जाती है, और तुम्हें ट्रैफिक का तो पता ही है, हर वक्त कदम कदम पे जाम लगा रहता है और आदमी जाम में फंस ही जाता है। पूजा भी कहीं जाम वगैरह में फंस गई होगी, तुम परेशान मत हो, वो आती ही होगी। हाँ हाँ, तुम तो हमेशा उसी का ही पक्ष लेते हो, वो अच्छा करे या बुरा करे, तुम्हें तो उसमें कोई बुराई नजर आती नहीं है। सारा दोष तो मेरा ही है, मैं ही पागल हूँ जो सबके पीछे पड़ी रहती हूँ। भगवान, ये सब कुछ क्या हो रहा है, सबकी दुश्मन तो मैं ही हूँ। अरे अरे, तुम तो बेवजह नाराज हो रही हो, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं तो ये कह रहा था कि तुम जरा सब्र से काम लिया करो। नहीं होता मुझसे सब्र, आने दो आज उसको, ऐसा सबक सिखाऊंगी वो याद रखेगी। अरे हाँ हाँ, सिखा देना, पहले बहू को घर तो आने दो, ना जाने बेचारी कहाँ अटक रही होगी, जरा फोन करके तो देखो आखिर वो है कहाँ, इतनी देर से बोले जा रही हो। इतना नहीं हो सका कि फोन करके पूछ लूं कि बहू तुम हो कहाँ, इतनी देर क्यों लगा दी, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ हाँ, मुझ में तो अकल ही नहीं है, जब मैंने फोन किया तो पता चला महारानी फोन तो घर ही भूल गई है। अरे ऐसी भी क्या आप फता रही थी जो फोन ले जाना ही भूल गई, आज मैं चुप नहीं रहूंगी, बस कह दिया मैंने और आप कुछ नहीं बोलोगे? अरे भाई, जल्दी में याद नहीं रहा होगा, वरना वो ऐसा क्यों करती, जल्दी में भूल गई होगी, और वो हमेशा फोन साथ ही तो लेके जाती है। नहीं, मैं सब समझती हूँ, वो मुझे परेशान करने के लिए फोन घर पर ही छोड़ के गई है। भला कोई ऐसा क्यों करेगा, फोन भूलवश रह गया होगा, छोड़ो अब आ जाएगी, थोड़ा सब्र करो। तुम्हें और तुम्हारे बेटे को उसमें कोई कमी नजर नहीं आती, सारा कसूर तो मेरा ही है, मैं ही बुरी हूँ। अरे भगवान, तुम बुरी नहीं हो, तुम तो बहुत अच्छी हो, पर कभी कभी तुम्हारी गाड़ी पटरी से नीचे उतर जाती है, वरना तुमसे अच्छा कोई भी नहीं है। लो वो आ गई पूजा। क्षमा करना मम्मी जी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, चलिए श्याम बाबा के मंदिर चलते हैं। क्षमा की बच्ची, आ गई तू मटर गस्ती करके, यहाँ मैं तेरा कब से इंतजार कर रही हूँ, एक तू है, तुझे मटर गस्ती से फुर्सत ही नहीं है, कहाँ गई थी तू महारानी? मम्मी जी, आज सड़क पर इतना जाम लगा हुआ था कि ऑटो चल ही नहीं पा रहे थे, इसलिए देर हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऑटो नहीं चल रहा था तो पैदल आ जाती, पैरों में क्या मेहंदी लग रही थी जो पैदल चलना दुश्वार हो रहा था? आई बड़ी महारानी, पैदल नहीं चल सकती थी, पाँव में छाले जो पड़ जाते तेरे। मम्मी जी मैं सच कह रही हूँ, अगर घर के आसपास होते तो मैं पैदल ही आ जाती, लेकिन मैं घर से 7-8 किलोमीटर दूर थी इसलिए नहीं आ पाई। हाँ हाँ, 7-8 किलोमीटर पैदल जो चल लेती, तेरे पाँव में छाले जो पड़ जाते, इसलिए नहीं चली। अरे अनीता, छोड़ो भी ये तकरार, बहू बिचारी हारी थकी आई है और तुम आते ही उस पर बरस पड़ी। हाँ हाँ, सारा दोष मेरा ही तो है, मेरे ही सर पे सींग निकले हैं, जो मैं इससे भला बुरा कह रही हूँ, जो मैं घंटों से इंतजार कर रही हूँ उसका क्या? मम्मी जी, मैं एक बार फिर से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, और मंदिर चलिए, पहले से ही मेरे कारण बहुत देर हो चुकी है, चलो ना मम्मी जी प्लीज।
अब मान भी जाओ, श्याम बाबा के दर्शन करके आओ, तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। बहू बिचारी कितनी देर से मिन्नतें कर रही है और माफी भी मांग चुकी है, अब मान भी जाओ ना। सब समझती हूँ मैं, तुम ससुर बहू मुझे बहला फुसला के मना लेते हो, लेकिन मैं आज मानने वाली नहीं हूँ। देखो अनीता, बेचारी बहू की तरफ देखो, आकर उसने एक गिलास पानी तक भी नहीं पिया और तुम्हारे साथ चलने को तैयार है, और तुम हो के समझ ही नहीं रही हो। कितनी मिन्नतें करवाओगी, अब बस भी करो और खुशी खुशी श्याम बाबा के दर्शन कराओ और उनसे प्रार्थना करो कि हमारा परिवार सदैव सुखी रहे। हाँ, इसमें भी मेरा ही दोष है, मैंने मना कर दिया होगा तुम्हारे भाऊ को कुछ खाने पीने के लिए। अरे भाई, हमने कब कहा कि तुमने मना किया होगा, हम तो बस यूं ही कह रहे थे कि बहू जाओ अपनी सासू माँ को श्याम बाबा के दर्शन करा के लाओ, अब और देर मत करो। चलिए ना माँ जी, प्लीज। सुनो ऑटो वाले भैया, श्याम बाबा के मंदिर चलोगे? हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं चलेंगे, कितनी सवारी हैं? 2 सवारी हैं, कितने पैसे लोगे आप? 60 रुपए लगेगा बहन जी 2 सवारी के। अरे क्या लूट मचा रखी है जो 60 रुपए लगेगी है, 20 रुपए लेने हैं तो चलो, वरना तुम जैसे रिक्शे वाले बहुत आते हैं। माँ जी अब वो जमाने नहीं रहे, अब कितनी महंगाई हो गई है, बिजली भी कितनी महंगी हो गई है, अब 20 रुपए में औसत नहीं आता, पहले हम भी 20 रुपए में ही ले जाते थे, लेकिन अब क्या करें माँ जी, महंगाई ने बेहाल कर रखा है। चल बातें ना बना, अगर 30 रुपए लेने हैं तो चल, नहीं तो रास्ते से हट, आया बड़ा लुटेरा कहीं का। माँ जी हम लुटेरे नहीं हैं, जब औसत ही नहीं आ रहा है तो क्या करें? क्या करें, खड़ा रहे, नहीं तो देखता रहे किसी सेठ का इंतजार जो आके तुम्हें मोटी रकम देगा। माँ जी आप जब भी मंदिर जाती हो इसी तरह बात करती हो, मैंने कई बार आपको देखा है, कभी तो शुभ शुभ बोला करिए। हाँ शुभ शुभ बोला कीजिए, आया बड़ा मुझे उपदेश देने वाला। अरे पूजा की बच्ची कहाँ निकल गई, मौका मिलते ही गायब हो जाती है। पूजा, अरे ओ पूजा, पूजा, अरे ओ पूजा, पता नहीं कहाँ चली गई। जी माँ जी कहिए। माँ जी की बच्ची कहाँ मर गई थी मुझे यहाँ छोड़ के, सच सच बता कहाँ गई थी? माँ जी वो सामने बूढ़े बाबा खड़े थे ना, उन्हें सड़क पार कराने गई थी। क्यों, आसपास के लोग घूमने गए थे क्या, जो तू सड़क पार करवाने गई थी, क्या मिल गया तुझे उस भिखारी को सड़क पार करवा के? माँ जी उन बाबा ने मुझे बहुत सारी दुआएं दी और कहा कि सदा सुखी रहो। हाँ आया बड़ा भिखारी कहीं का, सुखी रहेगी? माँ जी चलना है कि यूं ही टाइम खराब करना है? चलना है भैया चलना है, माँ जी चलो, पहले से ही देर हो चुकी है। सुन ले रिक्शे वाले, मैं 40 रुपए ज्यादा नहीं दूंगी। बैठिए। ये लो माँ जी, श्याम बाबा का मंदिर आ गया, जरा संभल के उतरना। हाँ हाँ चुप कर, मुझे पता है कैसे उतरना है। माता जी मेरे पैसे तो दे दीजिए। हाँ हाँ दे रही हूँ, तेरे पैसे दे कर ही जाऊंगी, तेरे पैसे लेके नहीं भागूंगी मैं, ये ले अपने पैसे। धन्यवाद माता जी, मैं जाऊं या मेरे साथ वापस चलोगी? हाँ वापस तो जाना है, सोच ले चलना है तो रुक जा, नहीं तो जा।
जय श्री श्याम पंडित जी। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम पंडित जी। आओ बेटी पूजा, आओ माता जी, आपको आने में बड़ी देर हो गई। क्या बताऊं पंडित जी, आजकल की बहुओं का समय का तो ध्यान नहीं रहता। 10 मिनट का कह के जाती है, 10 घंटे लगा देती है। मेरे साथ भी आज यही हुआ, इसलिए आज आने में देर हो गई। कोई बात नहीं माता जी, ये तो श्याम बाबा का दरबार है, आप यहाँ कभी भी हाजिर लगाते रहे, ये तो सबका कल्याण करते हैं। इस बात को मैं समझती हूँ, पर आजकल के लोग इस बात को नहीं समझते। हमें तो मंदिर आने को भी देर हो रही थी, पर ये महारानी दूसरों को रास्ते पार करवा रही थी। पंडित जी, एक बूढ़ा बेचारा सड़क पार नहीं कर पा रहा था, कोई उसकी मदद भी नहीं कर रहा था। मैंने उसको सड़क पार करा दी। और फिर श्याम बाबा भी तो यही कहते हैं कि बेसहारों को सहारा देना चाहिए। मैंने गलत किया क्या पंडित जी? नहीं बेटा, आपने बहुत अच्छा किया, किसी बेसहारे का सहारा बनकर उसको राह दिखाई। खुश रहो बेटा। पंडित जी बहुत हो चुकी है बात, अब जल्दी से पूजा आरम्भ करो। ठीक है माता जी, पूजा आरम्भ करते हैं। माता जी, पूजा संपन्न हुई, श्याम बाबा हर प्रकार से आपकी सहायता करेंगे। लीजिए पंडित जी आपकी दक्षिणा, कम तो नहीं है पंडित जी? अरे कैसी बातें करती हैं माता जी, कभी दक्षिणा कम दी है जो आज दोगी? बाबा आपको और आपके परिवार को खुश रखे। ठीक है पंडित जी, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी। अरे मरे, अभी तक तू यहीं खड़ा है? मैं तो सोच रही थी तू चला गया होगा, लेकिन मैं 40 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगी। ठीक है माता जी, आप 40 रुपए ही दे देना, अब चलो वरना देर हो जाएगी। अरे पूजा बैठ जल्दी, नहीं तो तेरे चक्कर में लेट हो जाएंगे। लो माँ जी, आ गया आपका घर, उतरिए। माता जी मंदिर से आई हो, कम से कम प्रसाद तो दे दो। वारे वाह, तुझे 40 रुपए भी दूं और प्रसाद भी दूं? मम्मी जी प्रसाद दे दीजिए, प्रसाद को मना नहीं करते भगवान नाराज हो जाते हैं। चुप रह, आई बड़ी उपदेश देने वाली, भगवान नाराज हो जाते हैं? कम जवान चलाकर समझी। ये ले अपने पैसे और निकल यहाँ से। अरे माता जी कुछ तो बड़ा कर दीजिए, इतनी देर से आपकी राह देख रहा था, आपकी वजह से ही तो खड़ा था। तो कौन सा एहसान कर दिया, सवारी नहीं मिली होगी इसलिए खड़ा रहा था, और मैंने पहले ही कहा था 40 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगी। ठीक है माता जी। पूजा, ओ पूजा, कहाँ चली गई? भैरी हो गई है क्या? हाँ माँ जी, आई अभी। मम्मी जी कहिए क्या बात है,
मैं अंदर झाड़ू लगा रही थी, इस कारण आपकी आवाज सुनाई नहीं दी मुझे। सूरज सर पे चढ़ाया, तू अब झाड़ू लगा रही है? कुछ समय की परवाह भी कर लिया कर। माँ जी अभी तो सुबह के 6 बजे है। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए तो अभी दिन निकला है, हमारे समय में तो सुबह 4 बजे ही झाड़ू भारी हो जाया करती थी और चूल्हे चौके की भी तैयारी हो जाती थी, और इतने समय में तो घर के सारे मर्द खा पी कर अपने काम पर चले जाते थे। ये महारानी इस वक्त झाड़ू लगा रही है। लो हो गई इनकी भाषण वाली सुबह। अरे भगवान, अब समय बीत गया है, समय के साथ सब कुछ परिवर्तन होने लगता है। हाँ हाँ, होने लगता है। क्या सूरज ने अपना निकलने का समय बदल दिया है? ये सब आलस के बहाने हैं। अब की जो औलाद बड़ी आलसी और निकम्मी है। अरे भगवान, पहले आदमी खेती बाड़ी ज्यादा करता था, इसलिए उसे जल्दी खेत पर जाना पड़ता था ताकि मौसम गर्म होने से पहले वो सारे काम निपटा कर घर जल्दी वापस आ जाए और फिर आराम करे। लेकिन अब ऐसा है नहीं, अब लोग गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं, जहां हर काम समय से होता है। पहले और अब में बहुत फर्क आ गया है। आ गया होगा फर्क, हमारे लिए तो पहले वाला समय ही बढ़िया था, ना इतना शोर हुआ करता था, बस शांति शांति थी। पूजा बेटा, तुम जाओ अंदर, मेरे कुछ कागज रखे हुए हैं, उनको ले आओ। अभी लाई पापा जी। ये लीजिए पापा जी, और कुछ चाहिए आपको? नहीं बेटा, अभी कुछ नहीं चाहिए, जरूरत होगी तो बता दूंगा। पूजा जी। माँ जी, आज नाश्ते में गाजर का हलवा और पूड़ी और छोले बना लेना, और थोड़ा सा रायता भी बना लेना। ठीक है माँ जी। आज तो नाश्ते में मजा आ गया, बहुत स्वाद बना था, हलवा पूरी छोले रायता, आहा हा हा, कितना स्वादिष्ट खाना बनाता है ना। हाँ बेटा, आज तो नाश्ते में मजा आ गया, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट बना हुआ था, और सबसे ज्यादा तो हलवा अच्छा बना हुआ था। क्यों नहीं था? तुम्हें गाजर का हलवा अच्छा नहीं लगा क्या? तुम्हें तो गाजर का हलवा बहुत पसंद है। क्यों जी, तुम्हें किसने कहा मुझे गाजर का हलवा पसंद है, वो भी ऐसा बना हुआ? क्यों माँ, क्या कमी थी उस हलवे में? कितना तो टेस्टी बना था, और वो बात अलग है कि आपको अच्छा नहीं लगा। बेटा, आजकल तुम्हारी माँ का हाजमा और जायका दोनों ही खराब हैं, इसलिए आजकल इनको किसी चीज में भी स्वाद नहीं आ रहा, और ना ही इनको कोई बात हजम हो पा रही है। हाजमा खराब हो तुम्हारा, स्वाद खराब हो तुम्हारा, जब कोई चीज अच्छी ही नहीं बनी तो अच्छी कैसे लगेगी वो। पूजा भाई, जल्दी तैयार हो जाओ, मैं नरेंद्र की पार्टी में जाना है। ठीक है जी, अभी ड्रेस चेंज कर आती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पार्टी के नाम से तो लोग बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, अगर मंदिर जाना हो तो लोग घंटों लगा देते हैं तैयार होने में। क्या मम्मी, आप भी हर समय एक ही बात करते रहते हो, कभी शांत भी रहा करो, इस उम्र में आपको ये बातें शोभा नहीं देती। ये उम्र तो आपकी पूजा पाठ और बाबा का नाम लेने की है। देख रहे हो, ये भी पूजा के रंग में रंग गया है, कैसी बातें कर रहा है, और मुझे उपदेश दे रहा है कि मैं बुढ़िया हो गई हूँ, सटिया गई हूँ, मुझे तो भगवान के पास चला जाना चाहिए। हे श्याम बाबा, ये क्या जमाना आ गया है। अरे भगवान, अमित के कहने का ये मतलब नहीं है। मैं खूब जानती हूँ तुम बाप बेटों का मतलब, जब से पूजा घर में आई है मेरा तो इस घर में वजूद ही खत्म हो गया है। सॉरी मम्मी, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है तो आप मुझे माफ कर दीजिए। जल्दी करो पूजा, हमें जल्दी निकलना है, देर हो रही है हमें। बस 2 मिनट में आई।
आओ आओ अमित बाबू, जय श्री श्याम भाभी जी। जय श्री श्याम भाई साहब। और नरेंद्र जी, कैसी चल रही है पार्टी? बड़ा रंग जमाया भाई। बस तुम्हारी ही कमी थी पार्टी में, अब तुम आ गए हो तो रौनक और बढ़ जाएगी। अरे वाह नरेंद्र भाई, बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है, बहुत सारे लोग आए हैं पार्टी में। अरे यार, पार्टी बार बार थोड़े होती है, सभी रिश्तेदारों को बुलाना पड़ता है। जब तक आसपास के लोग ना हो तो पार्टी में मजा कैसा। अगर कोई भूल से रह जाए तो फिर उसकी शिकायत आती है कि भाई हमें तो बुलाना ही भूल गई पार्टी में। हाँ दोस्त, तुम ठीक कर रहे हो, समाज में रहकर हर बात का ध्यान रखना पड़ता है। भाई साहब, भाभी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। भाभी यहीं कहीं होगी। अरे लो वो आ गई मीना। जय श्री श्याम मीना भाभी। जय श्री श्याम पूजा भाभी। आप लोगों को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं बहुत देर से सोच रही थी पार्टी में कुछ तो कमी है, और वो आप लोगों की कमी थी। अरे मीना भाभी, ये सब आपका प्यार और बड़प्पन है, वरना कौन किसी को इतना सम्मान देता है। और सुनाइए, आजकल क्या चल रहा है, जीवन में कुछ बदलाव आया है कि नहीं, या सब कुछ पहले की तरह ही चल रहा है? हाँ भाभी जी, जीवन में बहुत बदलाव आ चुका है। उधर आपके भैया व्यापार में इतना व्यस्त रहते हैं, इधर मैंने भी अपना टाइम पास करने के लिए एक कोचिंग सेंटर खोल लिया है, और बच्चों को कोचिंग देती हूँ, उसी में मेरा समय निकल जाता है। बहुत अच्छा किया भाभी जी, घर के घर में रहो और काम भी हो जाए। तुम बताओ पूजा, घर पे तुम सारा दिन क्या करती हो? मेरे पास आ जाया करो, तुम्हारा वक्त भी कट जाएगा और बातें भी हो जाया करेंगी। अरे मीना, बात ही करती रहोगी या इन्हें कुछ खिलाओगी पिलाओगी भी? ठीक कह रहे हो, मैं अभी वेटर को बुला के लाती हूँ। आ गए मेरे बच्चों, कैसी रही पार्टी? पापा जी बहुत अच्छी थी, बहुत दिनों के बाद नरेंद्र से मुलाकात हुई, हमें देखकर वो बहुत खुश हो गया, और पार्टी में हमारे साथ ही रहा वो, और खाना भी हमारे साथ ही खाया। नरेंद्र बहुत अच्छा लड़का है, जब भी मिलता है बहुत सम्मान करता है। अब पार्टी बातें होती रहेंगी या घर का काम काज भी कुछ होगा? मम्मी जी मैं अभी सारा काम कर देती हूँ, आप आराम कीजिए। माई भिक्षा दो। ए क्या शोर मचा रखा है, माई भिक्षा दो, जा कहीं और जाके मांग, जब देखो चले आते हैं मुंह उठा के। माई भिक्षा नहीं देनी है तो मत दो, लेकिन ऐसा व्यवहार तो मत करो, भगवान को भी बुरा लगता है। माई किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया मुझे उपदेश देने वाला। माई याद रखना, जीवन में अपने द्वार पर आए हुए किसी भी इंसान का अपमान नहीं करना चाहिए। किसी का अपमान मत करना, ना जाने कहाँ से चले आते हैं ऐसे ढोंगी पाखंडी बाबा। चल जाए यहाँ से। बचाओ 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 बचाओ, चल भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। अरे अनीता क्या हुआ, अरे अनीता क्या हुआ, अरे भाई क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रही हो? मम्मी क्या हुआ, क्यों इतनी परेशान हो रही है आप? पापा जी, मम्मी जी को क्या हो गया, ये इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है? पता नहीं बेटा। अमित जा, भाग के डॉक्टर को बुला के ला। जी पापा, मैं अभी बुला के लाता हूँ। आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब देखिए फिर मम्मी जी को क्या हो गया। आप घबराइए नहीं, मैं भी देख लेता हूँ।
सूरजबान जी, घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने नब्ज चेक कर ली है, बिल्कुल ठीक चल रही है। मैं दवाई दे देता हूँ, आप चिंता ना करें, थोड़ी देर में होश आ जाएगा इनको। मैं समय समय पर आकर इनको देखता रहूंगा। अब मैं चलता हूँ, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको दवाई लिख के दे देता हूँ। हे श्याम बाबा, मेरी मम्मी जी को ठीक कर दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अब क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? क्या हमें किसी और डॉक्टर से भी सलाह मशवरा कर लेना चाहिए? मैं वो सारी चेकअप कर चुका हूँ जो दूसरा डॉक्टर करेगा, बाकी आपकी इच्छा है। अब तो कोई दुआ ही काम आ सकती है इनको। अब मैं चलता हूँ। पापा नुक्कड़ पे एक ओझा बैठता है, वो तंत्र मंत्र से इलाज करता है, आप कहो तो मैं उसे बुला लाऊं। हाँ बेटा, बुला लाओ, कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है पापा, मैं बुला के लाता हूँ। पापा जी, लगता है हमसे कोई भूल हो गई है, जो खाटू श्याम बाबा हमसे नाराज हो गए हैं। अब तक हमारी मम्मी जी ठीक हो जाती। हे श्याम बाबा, हम पे दया कीजिए, हमारी मम्मी जी को ठीक कर दीजिए। बम बम भूतेश्वरी, ओम फट ओम फट ओम फट ओम फट। कहाँ है मरीज? ये नहीं मेरी मम्मी जी, आप इन्हें ठीक कर दीजिए, आपकी बड़ी दया होगी बाबा। बच्चा तू फिकर ना कर, भूत प्रेत चुड़ैल जो कुछ भी होंगे सब दूर भाग जाएंगे। ऐ मेरे मशान बाबा, रात के अंधेरों में बैठ बैठ करके तेरा ध्यान किया है, इसके ऊपर जो भी भूत प्रेत चुड़ैल जो भी साया है उसे दूर कर दो, तुम्हें तुम्हारा प्रसाद मिलेगा, जरूर मिलेगा। भूतेश्वरी, बम बम भूतेश्वरी, हम पट फट। इस पर बहुत खतरनाक साया है जो मेरे काबू से बाहर है, मुझे अपने गुरु के पास जाकर कोई उपाय पूछना ही पड़ेगा। मैं अभी अपने गुरु से पूछ कर आता हूं। माई, भिक्षा दो। जी बाबा, अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए बाबा जी। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? क्या कष्ट है तुम्हें बेटा? निसंकोच होकर बताओ हमें। बाबा जी। हाँ हाँ बेटी, बताओ क्या बात है और क्या कष्ट है तुम्हें? बाबा, हमारी सासू माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, वो ना ही कुछ खाती है और ना ही कुछ पीती है, ना ही कुछ बोलती हैं, बस बड़बड़ाती रहती हैं। डॉक्टर को भी दिखाया और लोगों को भी दिखाया, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं है। पूरा घर परेशान है बाबा, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबा जी, आप ही कुछ राह दिखाओ, हम तो सब कुछ हार चुके हैं। हारे का सहारा बाबा श्याम ही है। बेटी, क्या तुम उन पर विश्वास करती हो? बाबा, मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार बाबा श्याम पर बहुत विश्वास करता है, उन पर पूर्ण आस्था रखता है। तो बेटी, तुम उनकी शरण में जाओ, उनको सच्चे हृदय से पुकारो, वो तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे। और हाँ, ये कार्य तुम स्वयं करना, वो अवश्य ही सब कुछ ठीक कर देंगे, क्योंकि वो हारे के सहारे हैं। ठीक है बाबा जी। बाबा तुम्हें खुश रखें।
पापा जी, बाहर गेट पर एक बाबा आए थे। जब मैं उन्हें कुछ देने के लिए गई तो बाबा मुझसे बोले, बेटी तुम क्यों परेशान हो? तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी। तब उन्होंने बोला, बेटी तुम मंदिर जाकर श्याम बाबा की पूजा करो, उनसे विनती करो, वो तुम्हारे सारे कष्ट दूर करेंगे। हाँ बेटी, हम अपने श्याम बाबा को तो भूल ही गए, वो ही हारे के सहारे हैं, वो हमारे सब दुख दूर करेंगे। जाओ तुम मंदिर होके आओ। जी पापा जी। सुनो
जी पापा जी। पूजा बेटी, चमत्कार हो गया, तुम्हारी माँ ठीक हो गई। तुम्हारी प्रार्थना श्याम बाबा ने सुन ली है, जल्दी आ जाओ बेटा। ठीक है पापा जी, मैं आती हूँ। धन्य हो बाबा आप, जो आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मेरी माँ को आपने स्वस्थ कर दिया। मैं हमेशा आपका गुण गाती रहूँगी, सारी जिंदगी आपकी सेवा करूँगी। आपकी जय हो श्याम बाबा। देखो भगवान, तुम्हारी बहू की वजह से ही तुम ठीक हो गई हो। तुम हमेशा इसे गलती समझती रही, कभी तुम इसे स्नेह नहीं दे पाई। मुझे क्षमा कर दे मेरी बच्ची, मैंने तुझे हमेशा गलत समझा, तेरे साथ गलत व्यवहार किया, लेकिन तूने कभी मेरी बात का बुरा नहीं माना, कभी पलट कर मुझे जवाब नहीं दिया। तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। मैं तेरे इस कर्तव्य के लिए हमेशा ऋणी रहूंगी। आ मेरी बच्ची, गले लग जा। बोलो खाटू नरेश की जय।